खुशी बुटीक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी दबाइए, ऑल पे क्लिक कीजिए लेटेस्ट डिजाइन के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। मैं शर्मिला फगेड़िया, आप देख रहे हैं खुशी बुटीक। आज मैं आपको अम्ब्रेला मशीन का सीटल सेट करना बताऊंगी कि किस तरह से हम सीटल को खोल करके सेट करेंगे। तो सबसे पहले हमें इनको निकालना है, इसको भी निकालना है, इसके यहाँ से पेच खुलेंगे, इन पेचों को खोल करके यहाँ से निकाल लेना है। इस तरह से निकाल लिया हमने। अब हम देखेंगे कि सीटल हमारा कहाँ से खुलेगा। ये जो छोटे छोटे पेच दिख रहे हैं, यहाँ पे तीन पेच है, इन तीनों को हमें खोलना नहीं है, थोड़ा लूज लूज करना है। तीनों को लूज करके हम इस मशीन को इस तरह से रखेंगे, और जो सामने ये पेच दिख रहा है हमें, इसको हम खोलेंगे, इसको हमें पूरा खोलना है। ये हमने खोल लिया है, और जो ये पुर्जा निकला है इसको हम अलग से रख देंगे, और अब हम सीटल को निकालेंगे। देखिए, ये हमारा छोटी मशीन के जैसा सीटल नहीं है, ये थोड़ा अलग है। यहाँ पे इसमें तेल डालेंगे और इसको ऐसे घुमाएंगे, अगर इसमें कोई दागा या कचरा है तो घुमाने से निकल जाएगा। इस तरह से हम इसमें तेल डाल करके इसको अच्छे से साफ करके रख देंगे, और अब हमें मशीन में तेल डालना है। जहाँ जहाँ हमें तेल डालने की जगह दिखे वहाँ पे हम तेल डालेंगे, जहाँ पे ऑयल लिखा हुआ है या फिर कोई घूमने की जगह दिख रही है वहीं पे हम मशीन में तेल डाल लेंगे। इस जो ये फूटा है हमारा, इसके नीचे जो पंजा होता है इसमें देखिए कितना कचरा है, इसको हम सुई से निकालेंगे। अब हम सीटल सेट करेंगे। तो सीटल को हमें इस रोड के अंदर जहाँ से हमने निकाला था वहीं पे हम इसको इस तरह से लगाएंगे। ये हमने रोड में सीटल लगा लिया है, और अब जो ये पुर्जा हमने यहाँ से निकाला था इसको हम अच्छे से साफ करके उसी जगह पे लगा देंगे इस तरह से। और इस पेज को हमें अच्छे से कस देना है। ये हमने अच्छे से कस दिया है, हिलना नहीं चाहिए ये, और ये सीटल हमारा घूम रहा है। तो अब हम मशीन को सीधा करेंगे। अब देखिए, मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ, जो हमने ये पुर्जा सेट किया था इसमें यहाँ पे एक टच सा है, इस टच को हम सीटल के इस जो खाने में, यहाँ सीटल में एक छोटा सा खाना है, इसके अंदर इस तरह से सेट करेंगे। आएगी तब हमें इसको इस तरह से यहाँ पे रखना है, और इसके जो ये पैच है हमने लूज किए थे, इनको हम थोड़ा थोड़ा खींच देंगे। ये हमारी सुई, जहाँ पे हमारा धागा डाला जाता है, इधर नोक आपको दिख रही है, इसके ऊपर से जानी चाहिए। ये देखिए इस तरह से, इस तरह से जानी चाहिए हमारी नोक। तो हमारा सीटल सेट हो गया है। अब हम पेचों को अच्छे से खींच के मशीन को चला कर देखेंगे और इन पुर्जों को दोबारा से सेट कर देंगे। ये पेच हमने लगा दिए हैं यहाँ पे।
और इस पत्ती को भी हम यहाँ पे इसमें सेट कर देंगे मशीन में। अब देखिए, अब मैं आपको चलाकर दिखाऊंगी मशीन कि हमारी मशीन सही हुई या नहीं हुई। देखिए हमारी सिलाई सुंदर आई है, सही हो गई है हमारी मशीन। ये देखिए कितनी सुंदर सिलाई आई है हमारी। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।